हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फैक्ट मैजिकल टीवी। इस वीडियो में बात करेंगे रितिका बडियानी के लाइफस्टाइल बायोग्राफी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप रितिका बडियानी के फैन हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। रितिका बडियानी एक भारतीय फिल्म एक्ट्रेस हैं। वह फिल्म एयरलिफ्ट, टेन कल्पनाकल और चमन बहार के लिए जानी जाती है। उन्हें अपने कैरियर की शुरुआत एक टीवी विज्ञापन में मॉडल के तौर पर की थी। वह 20 से ज़्यादा अधिक कमर्शियल एड में काम कर चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके अर्ली लाइफ के बारे में। इनका जो रियल नेम है वो रितिका बडियानी है। जो निकनेम है उनका रितिका और रिट्स है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 17 अक्टूबर 2009 और 2020 के हिसाब से उनकी एज है 19 साल। बर्थ प्लेस उनका पोरबंदर गुजरात है, जो कि इंडिया में है। नेशनलिटी इनकी इंडियन है। जो होम टाउन है वो है पोरबंदर गुजरात, जो कि इंडिया में है। प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन से वो एक एक्ट्रेस है। इनकी जो हाइट है वो है 5 फीट 1 इंच। जो उनका वेट है वो है 50 kg है। इनका फिगर मेजरमेंट है 30-26-32। आई कलर इनका ब्लैक है। जो हेयर कलर है वो भी ब्लैक है। फैमिली की बात करें तो मदर नेम है हेतल बडियानी। स्कूलिंग की बात करें तो उनकी स्कूलिंग हुई है न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल मुंबई से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उनकी क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड तक की है। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो अभी वो अनमैरिड हैं। बॉयफ्रेंड की बात करें तो मुंजाल खत्तर, जो कि एक एक्ट्रेस हैं, इनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। रिलीजन की बात करें तो रिलीजन हिंदुज़म है। फेवरेट हॉबी की बात करें तो डांसिंग और एक्टिंग की फेवरेट हॉबी है। फिल्म डेब्यू की बात करें तो उन्हें डेब्यू की तो हिंदी फिल्म एयरलिफ्ट, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। मलयालम फिल्म डेब्यू की बात करें तो 10 कल्पनाकल, जो कि 2016 में रिलीज हुई मूवी में डेब्यू किया था। सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी 30-40 लाख पर मूवी। और टोटल नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ है 4-5 करोड़ रुपीज। अब बात करते हैं उनके कैरियर की। फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने का मौका रितिका को 2016 में आई स्टार अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट से मिला। इस फिल्म में उन्होंने जॉर्ज की बेटी का रोल प्ले किया था। इसके बाद वह एक मलयालम फिल्म 10 कल्पनाकल में नजर आई। रितिका को पहली प्रसिद्धि 2020 में आई नेटफ्लिक्स की फिल्म चमन बहार से प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने जितेंद्र कुमार के ऑपोजिट रिंकू का किरदार निभाया था। यह उनकी पहली लीड एक्ट्रेस के रूप में फिल्म थी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास रितिका के बारे में अधिक जानकारी तो हमें नीचे कमेंट करें। थैंक यू।